हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैसे आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपन चेक करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मैं आपके सामने एक या दो कैंडल यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, जिससे आपको समझना होगा, ठीक है, कि एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक का जो वर्क होता है वो कैसा होता है एंड किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल ड्रॉ की, ठीक है। ये कैंडल जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है, मतलब ये कैंडल यहाँ पे बनती है जहाँ पे मैंने मार्किंग किया। इस पॉइंट पे ये लास्ट एरिया है कौन सा, सेलिंग वाला। अब यहाँ से मार्केट बाइंग में जाना स्टार्ट हो चुका है, तो ये लास्ट एरिया है जहाँ पे ये कैंडल बनती है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो लास्ट कैंडल होगी, उस लास्ट कैंडल बिफोर द बाय लास्ट कैंडल एंड बिफोर द सेल लास्ट कैंडल, ठीक है, उस लास्ट कैंडल का जो टॉप यहां से लेकर ये जो एरिया निकल के आता है ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अभी रियल चार्ट पे भी अपन डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि आपको काफी चीजें इजीली समझ में आ सके। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा कि सपोज करिए मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ टॉप से डाउन की तरफ आता है, कुछ इस तरीके से अपने आपको रिएक्ट करता हो एंड मार्केट यहाँ पे आके अपने एक पॉइंट लगाता है कुछ एंड यहीं से मार्केट अगेन अप जाना स्टार्ट करता है। तो ये मार्केट का लो पॉइंट होगा एंड मार्केट ने ये अपना नेक्स्ट हाई बनाया। तो इस लो पॉइंट से लेकर इस हाई पॉइंट को जाने के बीच में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जहाँ पे ये कैंडल बनेगी। यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल आपको काफी बार अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, तो आपको थोड़ा ये समझना होगा कि ये कैंडल है कौन सी आखिरकार, इसके यूज केस क्या होंगे, कैसे आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेम एज वेल यहाँ पे मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर्स अपने यहाँ पे क्रिएट किए। मार्केट ने यहाँ पे क्या कि इस हाई को ब्रेक किया, तो जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो ये जो एरिया है ये आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे बॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बॉस क्रिएट होगा। अब जैसे ही मार्केट ने बॉस क्रिएट किया तो ये जो लो पॉइंट है ये आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, एज ए आईडीएम के तौर पर रहेगा रिसेंटली, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है एंड मार्केट यहाँ पे कुछ हल्का सा करेक्शन करने के लिए आया। सेम एज वेल मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना नेक्स्ट हाई ब्रेक किया, तो ये भी आपका बॉस हो गया। अब किसी भी मार्केट को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी ने भी अपना लो नहीं लिया है रिसेंट वाला लो, ये लो यहाँ पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन इस केस में भी मार्केट यहाँ से डाउन आया, हल्का सा करेक्शन लेके अगेन बाई डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आफ्टर दैट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में यहाँ से मार्केट कुछ एक सिनेरियो बनाता है, यहाँ से अप जाता है, सेम एज वेल डाउन आता है एंड अगेन यहाँ से बाई लेता है एक हाई मूवमेंट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया। अब ये जो स्ट्रक्चर्स मार्केट फॉलो कर रहा है ये जरूरी नहीं कि हर टाइम इसी तरीके से करे, इसमें कुछ चेंजेस भी आपको एवरी टाइम देखने को मिलेंगे। तो जितने भी पैटर्न हो सकते हैं मैं सारे पैटर्न यहाँ पे कवर करने का ट्राई करूंगा, उन सभी पैटर्न्स में से आपको एक पे मास्टरी करनी होगी कि कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा मार्केट में बन रहा है, वो आप खुद एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अगेन बाई गया, लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, रिसेंट वाला लो ले लिया। तो जब भी मार्केट रिसेंट वाला लो लेता है तो ये पॉइंट आपका कहलाता है आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट, ठीक है। कई लोग इसको डायरेक्ट चौक भी कंसीडर करते हैं, डिपेंड ऑन, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो इसको चौक भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ये चौक भी कंसीडर करते हैं, बट मैं जो कंसीडर करूंगा इसको यहाँ पे आईडीएम करूंगा यानी इड्यूसमेंट कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट रिसेंट वाला लो लेता है तो ये जो टॉप पॉइंट है ये आपका कन्फर्म हो जाता है हायर हाई, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या कन्फर्म हो गया, ये वाला पॉइंट आपका हाई कंफर्म हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया, लो कंफर्म हो जाएगा ये, ठीक है, ये लो कंफर्म हो गया। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। अब
यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि सेम एज वेल यहाँ पे आईडीएम लेने के बाद मार्केट वापस अप जाता है। तो सेम जो चीज मैंने यहाँ पे जो कैंडल आपको बताई थी, अब वो सेम कैंडल अब आपको यहाँ पे देखनी है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाले एक्शन में। कैसे? यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कैंडल बनेगी, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगी। इस कैंडल को आप इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेट में मार्क करेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे, ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आएगा तो यहां से आपको कंफर्मेशन लेके सेल की एंट्री प्लान करनी है। कहां तक? इस एरिया तक। आफ्टर दैट आपको ब्रेक इवन स्टार्ट कर देना है। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया में एक ऐसी कैंडल बनी थी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। इस कैंडल को लेने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मार्केट सेल जाने स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम इस एरिया पे मार्केट ने क्या किया था, अपना लो कंफर्मेशन दिया था। तो ये जो वाला पूरा एरिया बनेगा, ये बनेगा आपका चौक, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं इससे नीचे अगर मार्केट आता है तो आपका मार्केट सेल साइड में जाने का ट्राई करेगा। अब जो कैंडल मैंने यहां बनाई थी वो सेम कैंडल यहां भी बनेगी, तो सेम एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, जो वो ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल लेके वापिस अप जाएगा। बट इसके बीच में भी काफी सारे मोमेंटम होंगे, काफी अलग अलग तरह के सिनेरियोस क्रिएट करेगा मार्केट। तो क्या क्या करेगा देखते हैं एक बार और। तो मार्केट ने क्या किया, ये अपना लो कंफर्म कर दिया, ठीक है? इस पॉइंट पे अगेन मार्केट यहाँ से डायरेक्शन में आता है तो मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट ब्रेक करे जा रहा है। अगर आप रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसके लिए मार्केट का आईडीएम लेना जरूरी होता है, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे भी आईडीएम नहीं लिया है, यहाँ पे लिया है, तो ये वाला रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है देन ये आपका कंसीडर होगा क्या, ये आपका कंसीडर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि रियल वाला काउंट किया जाएगा, ठीक है? मार्केट डाउन आया, मार्केट अप गया, मार्केट यहां तक डाउन आया, अगेन अप जाने का ट्राई करता है, तो यहां पे क्या हुआ, ये इंटरनल वाला मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। आप इसको आईडीएम भी कंसीडर कर सकते हो। कैसे? मार्केट यहां से डाउन गया क्योंकि मार्केट डाउन में था और अगेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आईडीएम भी आप, बट इंटरनल में आप देखना चाहो डिपेंड आप पे, आप कैसे भी इसको कंसीडर करिए, बट आपका फॉर्मेट अभी भी सेल का ही है। मार्केट मार्केट अभी भी सेल डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल लिया एंड मार्केट यहाँ से सेल डायरेक्शन में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को मार्केट ने लिया, मार्केट यहाँ से डायरेक्शन डाउन ले लिया, ठीक है? और ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस, ठीक है? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन आया, अगेन मार्केट अप जाता है एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ ना कुछ एक एरिया को कवर करता है। डिपेंड करता है कि मार्केट का यहाँ पे कौन सा जोन है, कौन सा एरिया है, कौन सी कैंडल है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम ऑर्डर ब्लॉक ही आपको देखने को मिलेगा, हर टाइम अलग अलग चीजों के हिसाब से मार्केट चलेगा। जरूरी नहीं है कि वो इंडिकेटर हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर फ्लो, आईडीएम, बोथ चौक, इनसे चले। नहीं, हर टाइम कुछ ना कुछ मोमेंटम आपको अलग तरीके का देखने को मिलेगा। तो कोई भी एक एक्स वाई जेड यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे कोई अलग हो, ठीक है? पी वाई एरिया बचा हुआ हो यहाँ पे, आप ये समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो एरियाज डिफाइन होते हैं वो इंटरनली होते हैं, कुछ अलग अलग चीजें होती है। आप इसको लिक्विडिटी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ लिक्विडिटी होगी यहाँ पे, तो उस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ने ये इंटरनल में बॉस किया। एंड मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। अब जो चीज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कैंडल बनेगी, उसी कैंडल को लेके मार्केट यहां से अप आ गया। अब इस पूरे सेशन में आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि दो चीजों पे हमेशा फोकस करना है, और वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज,
आपको बॉटम से तो हमेशा बाई करना है और टॉप से हमेशा सेल करना है। ये दो चीजें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी यहां से, ठीक है, कि अगर मार्केट बॉटम में है तो वहां से आपको बाई करना है, टॉप पे तो आपको सेल करना है। ये दो चीजों पे आपको ध्यान जरूर रखना है। तीसरी चीज ये, अगर ये दो चीजें आपके पकड़ में आ गई तो जिस टाइम फ्रेम को आप यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए, वो 1 आवर टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। 1 आवर और 15 मिनट, इससे नीचे नहीं जाना है आपको। 5 मिनट भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप 4 आवर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है। आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, वीकली ट्रेड लेना चाहते हैं, आप इंट्राडे करें तो 5 मिनट एंड 15 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर ये चीज आप करते हैं दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो यहां से सेम एज वेल, ये जो एंट्री अपन ने यहाँ से बाई की कैच की है, सेम अगेन एंट्री यही आप बाई की यहाँ से कैच कर सकते हैं। तो यहां से आप यहां तक अपना एसएल रखिए, थोड़ा सा जो भी आप रखना चाहें, एंड यहां से यहां तक टॉप तक टीपी रख सकते हैं ट्रेल कर करके। वो तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम का यूज करते हुए इन सारी चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यही होता है कि एडवांस में आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अब ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, कुछ और ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक हमें कौन कौन से कंसिडर करने चाहिए, तो आपको दो ही तरह के ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना है, एक जो सबसे बॉटम में हो चौक के पास में, और एक आईडीएम के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक हो, इन दोनों का। इन सभी पे भी एंट्री मिलेगी मिड वालों पे, लेकिन ये आपको हल्का सा ट्रैप भी करेंगे वहां पे। इनके 50% चांसेस रहते हैं कि आपको ये पूरा प्रॉफिट दे पाए, या तो आपको प्रॉफिट देंगे, लॉस देंगे, आपको मिड में रखेंगे। उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये वाला जो बॉस है इस पे एंट्री करना, एंड जो डाउन अर्थ है इस पे एंट्री करना। बाकी ये जो बीच का बचा हुआ एरिया है, इस एरिया पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्मॉल बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन लाइव चार्ट की तरफ चलते हैं, वहां पे भी चीजों को अपन थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में क्या मार्केट करना चाह रहा है। किसी भी एक रैंडम चार्ट को लेते हैं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वीक का मैंने यहाँ सिग्नल दिया था बाइंग का, बट यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, मेरा ये प्लान था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या है, किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया है। तो लास्ट वीक का जो मेरा सिनेरियो था, ये सैटरडे ये मंडे हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट था, मेरा प्लान था कि यहाँ तक मार्केट आएगा, देन अपन बाई का प्लान करेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, किसी भी एरिया को टच ही नहीं किया। यहाँ पे आके मार्केट अपना एक नया पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया जैसे ही ओपन हुआ। ये मार्केट का पैटर्न है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट यहां से इसको ब्रेक करता है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ, इजी होगा सही से समझ लेना आपके लिए। मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको अपन बॉस कहेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस केस में आप देखो मार्केट का लो किसी ने नहीं लिया अभी तक, यहां पे भी नहीं लिया गया, ठीक है, देखिए यहां पे भी नहीं लिया गया है, सेम ये सारा इसका सिनेरियो बना है। अब इस सिनेरियो को आप कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ने अगर कहीं पे भी लो लिया है,
आप उसको फाइंड आउट करें एंड ट्राई करें कि कहाँ अपन बाई या सेल कर सकते हैं। तो सारा जो गेम है वो इसी चीज का है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में मार्केट चाहता क्या एंड आप किस तरीके से कर सकते हैं। कहीं पे भी मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, तो अब इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये आता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, ये मैंने बहुत टाइम पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। अब सपोज करिए अगर इस एरिया से आप यहाँ से बाई करते तो आपके पास एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप ग्रेप कर सकते थे, जो कि यहाँ पे चौक हुआ है। सेम एज वेल अगर यहाँ पे ये सेलिंग आया है तो यहाँ पे पीछे कुछ ना कुछ एरिया था जिसको मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप डाउन किया। ठीक है, ये एरिया था यहाँ पे मार्केट नहीं आया, बट इस एरिया की लिक्विडिटी से चले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अपन ने यहाँ पे वेट किया, ये भी मैंने दिया था, यहाँ पे भी मार्केट आया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे एरिया पे मार्केट नहीं आ रहा है तो आप सपोज करिए मार्केट मेकर्स उसको बाई साइड में ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी तेज हुआ है। और ये जो तेजी आई है इसके दो ही कारण है, पहली चीज यहाँ पे न्यूज थी, दूसरी चीज यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने मार्केट को शूट आउट किया अच्छे से। तो यहाँ से देखिए इतना मोमेंटम मार्केट ने दिया, कोई सेल नहीं है, कुछ भी सेल नहीं, हल्के से सिर्फ एक दो तीन कैंडल सेल आते हैं, ये दो तीन कैंडल सेल आते, पूरा बाई मोमेंटम था। ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी, मार्केट का बॉटम क्या है, टॉप क्या है, कैसे मार्केट चलेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, अब इस टॉप को यहाँ से ये 28 अगस्त से स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे सितंबर, यानी कि आप इसको मान के चलिए लगभग 14 से 15 दिन का टाइम लगा है। और इस मोमेंट से मार्केट को यहाँ तक जाने में कितने दिन लगे, मात्र ओनली 10 से 11 दिन। तो 4 से 5 दिन का जो फर्क है वो यही कवर कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे देखिए आप कितना सेल हुआ, हल्का सा भाई, यहाँ कितनी तरह की चिड़ी पकी थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार भी मार्केट ने आप अपना लो क्रिएट नहीं किया है। तो यही चीजें आपको समझनी है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का यही पार्ट है कि जो इस एरिया में है यहाँ से आप बाई कर सकते थे। ये छोटी छोटी चीजों को आपको सॉर्ट आउट निकालना होगा, उसके अलावा यहाँ से आप कर सकते थे बट यहाँ पे मार्केट आया नहीं। अब इसके अंदर और चीजें आपको फिल्टर आउट करनी होगी, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है इंटरनल में, ये यहाँ से आप बाई कर सकते थे। छोटे छोटे आपको रिस्क की एंट्रीज उठानी होगी। ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर उठा लेते हैं आप। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एंट्री जो आपके लिए रहेगी वो ये वाली होगी। तो इस तरीके से आपका जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क करेगा। ठीक है, आपको पीछे का डाटा निकालना है एंड उस डाटा के हाई और लो के हिसाब से आपको काम करना है। अब यहां से मार्केट पूरा गिरा, ठीक है, तो ये लास्ट चौक पॉइंट था। अगर आपने इस एरिया पे, ये ऑर्डर फ्लो का है, अगर यहां से हाई से लो के बीच के ऑर्डर फ्लो की आपकी एंट्री होती है तो देन आपका मार्केट शूट आउट है, यहां तक आप आज प्रॉफिट में चल रहे हो। अब नेक्स्ट आपका जो होगा, मार्केट क्या करेगा, या तो इस एरिया तक आएगा यहाँ पे या इस एरिया तक आएगा, अगेन यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि मार्केट क्या है, किस तरीके से रन होगा, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है। ठीक है, मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।